विलियम शेक्सपियर पुनर्जागरण युग के सबसे महान अंग्रेजी कवि, अभिनेता और नाटककार थे। उन्हें व्यापक रूप से अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा लेखक और दुनिया का सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 37 नाटकों, 154 सोनेट्स और 2 लंबी कथा कविताओं पर काम किया। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में स्टैनफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में हुआ था। विलियम शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत 1592 में एक नाटककार और एक अभिनेता के रूप में की थी। विलियम शेक्सपियर के विचार न कि समाज बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही प्रेरणादायक रहे हैं। तो आइए ऐसी महान आत्मा के अनमोल विचारों को सुनते हैं। यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो समय बाद में आपको बर्बाद कर देगा। जब पिता अपने पुत्र को देता है तो दोनों हंसते हैं, जब एक पुत्र अपने पिता को देता है तो दोनों रोते हैं। मेरी जीभ मेरे दिल का गुस्सा बता देगी, वरना मेरा दिल उसे छुपाकर टूट जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, बल्कि हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। ईश्वर ने तुम्हें एक चेहरा दिया है और तुम अपने मतलब के लिए बदल लेते हो। हम सब जानते हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मैं उस हर व्यक्ति की तारीफ करूंगा जो मेरी तारीफ करेगा। भगवान ने इंसान को एक ही चेहरा दिया है, लेकिन इंसान अपने लिए कई नए मुखौटे बना लेता है। एक पुरानी कहावत है जो मुझ पर भी लागू होती है, जो खेल आप खेल ही नहीं रहे उसमें आप हार ही नहीं सकते। अगर आप महान काम करना चाहते हैं तो नई गलतियां करने से डरो। आप एक किरदार हैं और यह दुनिया एक रंगमंच, इस पर आपको जीवन में कई किरदार निभाने पड़ेंगे। यदि आप किसी से उम्मीद रखते हैं तो एक ना एक दिन आपको दर्द जरूर होगा, क्योंकि उम्मीद एक ना एक दिन टूटेगी और जब ये टूटती है तो बहुत दर्द होता है। यह बात ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप से सच्चे और ईमानदार बने रहें। हम सभी लोगों की किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छुपी हुई है, बस उसे पहचानने की देर है। डरपोक अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, बहादुर मौत का स्वाद और कभी नहीं बस एक बार चखते हैं। जब दुख आता है तो अकेले जासूस की तरह नहीं आता, बल्कि पूरी बटालियन की तरह आता है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे या नफरत, दोनों मेरे ही पक्ष में है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो मैं रहूंगा, अगर नफरत करोगे तो मैं तुम्हारे दिमाग में भी रहूंगा। सितारों के अंदर इतनी शक्ति नहीं जो हमारे जीवन का फैसला कर सके, बल्कि हमारा भाग्य खुद हमारे हाथों में है। नाम में रखा क्या है? अगर हम गुलाब के फूल को किसी और नाम से पुकारें तो वैसी ही खुशबू देगा जैसी उसकी खुशबू है। अपने लिए दूसरों से मदद की उम्मीद रखना ही सारी बुराइयों का जड़ है। एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश कितनी दूर तक जाता है, इसी तरह इस बुरी दुनिया में एक अच्छा काम चमचमाता है। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसे हमारी सोच बनाती है। जब झूठी लड़ाई लड़ने में कोई सच्ची वीरता नहीं होती, सभी से प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो, किसी के साथ गलत मत करो। मैं बुद्धिमता लड़ाई के लिए ललकारता, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि तुम निहत्थे हो। सच्चे प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता, ये हम अच्छे से जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हम क्या हो सकते। चांद की कसम कभी मत खाओ, क्योंकि वो हमेशा बदलता रहता है। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, वरना खुद से आप अपना भाग्य खराब कर लेंगे। जिस तरीके से तुम अपने विचारों में महान रहे हो, उस तरह अपने कर्मों में भी महान रहो। महानता से घबराइए नहीं। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों के ऊपर महानता थोप दी जाती है। जिस तरह मछलियां पानी में रहती हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए छोटी मछलियों को खा जाती हैं, इसी तरह इंसान जमीन पर रहता है, बड़े वाले छोटे वाले को खा जाता है।
हमेशा ईर्ष्या से सावधान रहिए, क्योंकि ये वो दैत्य है जो उस शरीर का तिरस्कार करता है और धोखा देता है जिस पर वो पलता है। दूसरों के भावनाओं के साथ कभी न खेलें, क्योंकि आप खेल जीत सकते हैं लेकिन जोखिम यह है कि आप निश्चित रूप से जीवन भर के लिए उस व्यक्ति को खो देंगे। जब वो बहादुर था मैंने उनका सम्मान किया, जब वो महत्वाकांक्षी हुआ तब मैंने उसे मार दिया। बोले हुए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता है, इसलिए बोलने से पहले दो बार सोचें। सभी से प्यार करो, कुछ पर भरोसा करो, किसी के लिए गलत मत करो। प्यार अपने संक्षिप्त घंटों और हफ्तों के साथ नहीं बदलता है, बल्कि इसे कयामत के किनारे तक भी सहन करता है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें, बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और विलियम शेक्सपियर के अनमोल विचारों को रोज अपनी ऊर्जा में शामिल जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।